में यहाँ पे नियम है आर डी तीन बार का नियम, लाओ आर डी तीन बार। चलिए इसका जो संबंध है वो मेंटेंस के नियम दूसरा सिलिकेशन या पृथक्करण के नियम से लाओ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स और उसमें जो है लाओ आर डी तीन बार का नियम। उन्होंने चलिए समुदाय आवृत्तियां क्षमता इनसे उन्होंने कुछ अर्थ निकाला है, केंद्रीय से निकाला है। तो परिभाषा क्या है, मेंटेन का नाम बोला है उन्होंने विभिन्न जीव या जीव रूपों के अपेक्षित आकृतियों पीढ़ी दर पीढ़ी स्थायी रहते हैं। उसे सुन लीजिए, मेंडेलियन आबादियों में विभिन्न जीव या जीव रूपों के अपेक्षित आकृतियां पीढ़ी दर पीढ़ी स्थायी रहती हैं। इसका मेन पॉइंट था। अब इसमें लक्षण क्या थे, आनुवंशिक नहीं होते, विकास से संबंधित जीन परिवर्तन नहीं होता है और प्राकृतिक कारोबार को ये बिल्कुल पसंद नहीं करते। तो ये थे हार्डिंग ने ये चल गए 1908 में जो मिल गया था, ये इंग्लैंड के थे और वेडमर ने जो थे ये जर्मनी के, उन्होंने मिलकर के एक नियम दिया था जो मिल गया था क्या नियम, आप जो विभिन्न जीव और जीव रूपों की अपेक्षा करती है पीढ़ी दर पीढ़ी स्थायी रहती है। ये मेन पॉइंट था, उसके कारण शुरू किया ना तो इन्होंने नेचुरल सिलेक्शन को पसंद किया, जीव परिवर्तन नहीं होता है, ये सब अनुवांशिक नहीं होती। तो लास्ट में दिया उन्होंने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन लैंगिक जनन से जुड़ा है। तो लैंगिक जनन में मेल गैमेट और फीमेल गैमेट पर युग्मकों के फ्यूजन से होता है। तो परिवर्तन जो भी होगा वो युग्मकों के मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, लेकिन म्यूटेशन दूसरी भाषा बोलता था, नेचुरल सिलेक्शन दूसरी भाषा दे रहा, लेमान डार्विन दूसरी भाषा दे रही थी, लेकिन ये हार्डी ग्रीनबर्ग ने अपने नियम के अनुसार बताया था तो जीन एंड जीन को भी अपेक्षित प्रक्रिया पीढ़ी दर पीढ़ी स्थायी नहीं रहती। बस ये मेन बात है, बाकी उन्होंने कई प्रकार से दिया पी प्लस टी बराबर आर ही, ये सारे समीकरण दिए थे उन्होंने, इसका नाम दिया था हार्डी ग्रीनबर्ग। इसको डिटेल और भी है लेकिन इसका मेन सारांश बता दिया। अब इसी चैप्टर में कुछ और छोटे छोटे पॉइंट थे, जैसे पॉइंट था दोनों का नियम डी ओ एल, दोनों का नियम ने क्या दिया था, उन्होंने बताया था कि जैव विकास के जो लक्षण, जैव विकास से संबंधित जो लक्षण है जो विकसित हो चुके हैं एक बार, वह लक्षण दोबारा उनकी जाति में वह लक्षण दोबारा विकसित नहीं होती, एक बार जो हो चुके हैं वो चरम सीमा है, नहीं कि वो नष्ट होगा ऊपर से दोबारा शुरू हो जाएंगे। यानी कुल मिला के जैव विकास उल्टी दिशा में मूव नहीं करता, इसलिए दिया था दोनों साथ में। दूसरा ग्लोगन ने दिया था, ग्लोगन ने क्या दिया था, जो जल जो ठंडे प्रदेशों में रहते हैं, जो गर्म प्रदेशों में रहते हैं, जो जंतु अपनी जनरेशन के द्वारा नई जनरेशन बनाने की क्षमता रखते हैं, उनमें कौन सा हार्मोन हार्मोन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। कि वही चीज एक जाति को जरूरत है वही दूसरी जाति को, तो आगे चल के जो कोई प्रभावी होगी कोई अप्रभावी होगी प्रभावी या प्रभावी को बढ़ाने लगेगा, तो एक जाति को उस जगह से एक स्थान से दूसरे स्थान मूव करना पड़ेगा, स्थान बदलना पड़ेगा। ये क्यों ने दिया था, कैसे ऐसे एलन ने क्या दिया, एलन ने दूसरा नियम ये छोटे छोटे टॉपिक है जैसे लेमान डार्विन उत्पन्न अवतरण की थ्योरी है, इसके दो दो लाइन के मैंने नियम है। एलन ने दिया था कि जो ठंडे वाले क्षेत्रों के जंतु जहाँ पर बर्फ गिरती रहती है, हमने देखा होगा सबसे पहले तो उनके शरीर पर बाल बहुत अधिक पाए जाते हैं। दूसरा क्या किया था उन्होंने, और मुख्य बात है कि जो आउटर पार्ट है जैसे कान आँख नाक हाथ पैर, ये क्या होते हैं, कुछ आकार में छोटे होते हैं। कारण क्या है, जब आकार में छोटे होंगे तो उनकी जो अंदर की हीट है वह हीट कम मात्रा में बाहर निकलता है, विशेषता दिया। जो भी अंग हैं जैसे कान है वो छोटे होंगे, नाक होगी,
पैर होंगे छोटे छोटे होंगे सभी, जिससे कि जो ऊर्जा है वो कम ह्रास हो सके, बाहर कम जा सके क्योंकि छोटे आएंगे। अगले हैं बागवान ने, बागवान ने क्या किया है कि जो कोल्ड वाले जंतु हैं, जो कोल्ड में रहते हैं, ठंडे प्रदेश में रहते हैं, उनमें क्या होता है, उनके शरीर में स्ट्रॉन्ग आकार बढ़ने की प्रवृत्ति होती है, स्ट्रॉन्ग बने रहेंगे, ऊपर से कवर करने रहेंगे, स्किन मोटी रहेगी, जिससे कि बाहर की जो कोल्ड है ठंडक है वो अंदर प्रवेश ना कर। और लास्ट में क्या है, कॉपीज ने इन्होंने भी क्या किया है कि जो वृद्धि करते हैं, विकसित होती रहते हैं और उनके अंगों के बड़े होने की प्रवृत्ति होती है। ये तो मिला के ये कई बर्मन कॉपीज इन्होंने अपने अपने विचार प्रस्तुत किए हैं, लेकिन किसमें किए हैं, ये जैव विकास में। और जैव विकास में जो महत्वपूर्ण हार्डी बीमा टर्मिनल के है, अब इसी से जुड़ा हुआ एक और टॉपिक है, क्या है वो, आदिमाश आदिमानव। अपन जो होमो सेपियंस है उसका निर्माण आपको पता है 50,000 वर्ष पहले क्रोमैग्नन मानव से हुआ। क्रोमैग्नन मानव जो जंगली मानव आज भी कहीं पर रहता है, और जब ये अपने आप सुनामी टाइप की आएगी तो किसी क्षेत्र में 5-10 किलोमीटर के टापू था, उस टापू में वहां पर कुछ देखने को मिले थे क्रोमैग्नन मानव। वो क्रोमैग्नन मानव विकसित होकर के होमो सेपियंस बने, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आदिमानव का विकास कहाँ से हुआ, प्लाइस्टोसीन से, प्लाइस्टोसीन युग था जो हमको बताया कि महाकल पूरा समझा है, प्लायोसीन तल से मनुष्य का निर्माण शुरू हुआ। वैसे तो अपन लोग अगर ऑरिजिन ऑफ लाइफ को उद्देश्य करेंगे तो बैक्टीरिया से शुरू करते हैं, लेकिन वास्तव में मनुष्य का निर्माण हुआ है गज स्रोत से। गज स्रोत का मतलब है छछूंदर से, तो मनुष्य का वास्तविक रूप में गज स्रोत यानी छछूंदर से, लीमर लॉरेस टार्सस गोरिल्ला चिंपैंजी जावा पिटिकस जावा पीटी नील रखल क्रोमैग्नन लास्ट में क्या हुआ, होमो सेपियंस। ये क्रम चला आता जा रहा है, होमो सेपियंस आगे हजारों लाखों वर्ष के बाद क्या बदल जाएगा, होमो फ्यूचरेंस हो जाएगा। तो ये परिवर्तन सी है होता है क्रमिक परिवर्तन जीवों में पौधों में होने वाले धीरे धीरे क्रमिक परिवर्तन को जैव विकास करते, परिवर्तन रुकता नहीं है, धीरे धीरे होता रहता है, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन, दूसरी से तीसरे वेरी पर अगर हम पूरा दिखाई देता है समझ नहीं आता। तो ये अगर हम इसकी बात करें मनुष्य के विकास के 3-4 लक्षण क्या, मनुष्य के विकास के लक्षण में जैसे मूल रूप से मनुष्य क्या करता है, दो पैरों से चलता है, मनुष्य दो पैरों से चलता है, सीधी मुद्रा में चलता है, मस्तिष्क वेल डेवलप होता है, पूर्ण विकसित होता है, कपाली गुहा का आयतन 1450 cc होता है। 1450 cc क्या है, क्यूबिक सेंटीमीटर, 1 cm। क्रेनियम जो होता है मस्तिष्क के ऊपर जो कवच होता है उसका नाम है क्रेनियम बक्सिका, जिसमें ब्रेन स्थित रहता है, इसका जो होता है क्या होता है 1450 cc। इसके बाद और निकल दांतों की संरचना अलग प्रकार की होती है, और कल्चर कल्चर मालूम क्या होता है, संस्कृति मनुष्य में विशेष प्रकार की होती है जो भी संस्कृति से जुड़ा है। उन्होंने तो 4-5 करेक्टर है, उन्होंने तो बहुत सारे करेक्टर लिख सकते हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण है क्या क्या, जैसे मैंने आपको बताया कि दो पल पैरों से चलता है, दूसरा क्या बताया है कि सीधी मुद्रा में चलता है, तीसरा भी क्या बताया आपको कि वो जो मस्तिष्क अधिक विकसित होता है 1450 cc का होता है, मात्रा की कपाली हुआ का आयतन, इसका दांतों की संरचना के प्रकार की उनकी टोली पाई जाती है, और मनुष्य में मेमोरी ग्लैंड्स वेल डेवलप होती है, ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर कल्चर से जुड़ा हुआ है, ये विकास की लक्षण है। अगले टर्न पर पढ़ेंगे हम लोग मानव और कपि में अंतर, इसका जो आपको और भी है जावा मानव रामापुत्र जावा मानव पेटी मानव मीडर कल क्रो मैग्नन इत्यादि और भी इससे संबंधित जानकारी की बात करें।